सो हे गाइस, दिस इज अविनाश एंड यू राइट नाउ वाचिंग अ गूगल ट्रिक्स का व्लॉग। और दोस्तों, अभी मैं आया हुआ हूँ शोएब के घर के सामने में शोएब को लेने के लिए। तो वेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें जो है वो आज भी एक सरप्राइज ही है। प्रीवियस ब्लॉग तो कार का सरप्राइज आपने देखा ही, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो। और आज जो है एक और सरप्राइज है और उसमें हमने एडवांस वगैरह सारा कुछ दे करके रखा है। तो आज डिलीवरी जो है वो उसका है, तो देखते हैं क्या होता है। साथ में मेरा थोड़ा लुक भी बहुत ख़राब हो चुका, आज वीडियो भी मैंने अपलोड किया तो लुक वगैरह उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। तो पहले ये करेंगे, लुक अपग्रेड करेंगे, उसके बाद फिर सरप्राइज की ओर बढ़ेंगे। तो चलो शोएब का वेट कर लेते हैं आने का। हाँ, ये लो शोएब भी देख सकते हो आ गया। और अब फाइनली हम दोनों जो है वो निकलेंगे। फाइनली मैं ओजन प्लाजा का थर्ड फ्लोर पे पहुंच गया कट करवाने के लिए। अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर और पिज्जा लेकर के चार। और अब हम लोग जो है वो काफी ज्यादा भूख लग गया था तो खाया भी नहीं था, तो इसीलिए जो है वो थोड़ा देर में घर जाकर आराम से तुरंत खा लूंगा। और फिलहाल जो है हम लोग आए हुए हैं राजहरिया कंप्यूटर्स। तो गाइस ये देखो, ये हमारा सीपीयू का कैबिनेट। और जैसा कि मैंने आया था गेमिंग पीसी, तो आज का सरप्राइज वही है। और कितना ज़्यादा तगड़ा है देखने में, और बड़ा है और डिज़ाइनदार है वो देखो। और जब इसमें लाइटिंग जलेगी और साइड से फिर, तो बहुत ज़्यादा बवाल लगेगा देखने में। सेटअप का लुक जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके कारण। और साथ साथ काम तो एकदम हेवी है ही, क्योंकि सारा जितना हार्डवेयर जो इसका अंदर का चीज़ है वो भी सारा खतरनाक खतरनाक लिया। तो देखते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, वो ये कि जो मदरबोर्ड है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल का लिया है, तो उसका भी साइज बड़ा है। और इसका ऑलरेडी साइज बड़ा है लेकिन फिर भी इसमें जो फिट होने में प्रॉब्लम हो रहा। तो भैया बात कर रहे हैं कि इससे अगर बड़ा कैबिनेट भी अगर मिलता है तो उसमें जो है फिर काम हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। लेकिन जब वो गेमिंग पीसी मेरे सेटअप पे लगेगा और काउंटर के साथ, तब बोलना कितना तगड़े वाली है। सो गाइस, हमारा सारा सामान आ चुका है और कैबिनेट जो है वो हमने ये वाला जो है चूज कर लिया। इसका फैन जो है काफी बड़ी बड़ी है तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, और जलने वाला लाइटिंग भी काफी तगड़ी लग रही थी। तो लास्ट में जब ये पूरा असेंबल हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। और ये हमारा हो गया भाई कीबोर्ड और माउस। एग्जैक्ट ये माउस मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तो एक और हो जाएगा मेरे लैपटॉप के लिए, वो ऑलरेडी है। और ये मेरे गेमिंग पीसी के लिए हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो साथ में और भी सामान है, जैसे MSI का जो है B550 टॉरपॉइड हो गया, यहाँ पर ये चीज़ हो गया, ये सैमसंग का मेरा मॉनिटर हो गया, और ये RTX हो गया। ये जो है पहले मैंने चूज़ किया था 1660 का, लेकिन फिर मेरे को पता चला हमारी वीडियो जो एक्सपोर्ट होती है उसमें सबसे ज़्यादा ये जो RTX ही जो है वो वर्क करता है। तो ये जितना अच्छा रहेगा उतना जल्दी एक्सपोर्ट होगी वीडियो, तो इसीलिए जो है वो 1660 के जगह 3060 कर दिया ताकि एक्सपोर्टिंग टाइम जो है वो कम हो जाए। ये सारा चीज़ छोड़ देते हैं और देखते हैं असेंबल होने के बाद, मैं चला करके भी अभी दिखाऊंगा। तो अभी 1-2 घंटे समय लगेगा, तो 1-2 घंटे वेट करते हैं फिर सारा चीज़ आपको दिखाते हैं। तो अविनाश भाई, 2 लाख का पीसी बिल्ड हो रहा है, कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा अंदर से लग रहा है कि चलो भाई अपना फाइनली जो है गेमिंग पीसी जो है आ रहा है, क्योंकि लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था एडिटिंग में ना सोए होता था इसीलिए। और मैं आपको बता दूं कि हमने जो भी इसमें एक्सेसरीज जो भी लगवाया है वो भैया से जो है पूछ कर ही लगवाया है। आइए आपको मिलवाते हैं। तो मेरा जो भी कंप्यूटर का जो भी एक्सेसरीज है भैया ने सारा रिकमेंड किया कि ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, सब कुछ बताया। और ये जो है वो आप यही ओनर है ना यहाँ, तो यही ओनर है। अगर आपको कुछ भी जो है धनबाद झाझरिया से कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना होगा ना कंप्यूटर से रिलेटेड, या और क्या क्या एक्स्ट्रा में लैपटॉप वगैरह भी हमारे पास आपको लैपटॉप मिल जाएगा, कंप्यूटर का जो भी एक्सेसरीज आपको चाहिए वो सारे के सारे कंपोनेंट वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग कंप्यूटर का सर्विस भी करते हैं, अगर आपको अपना कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है सर्विस कराना है तो वो भी हम लोग करके देते हैं। तो इस तरह का कोई भी वर्क होगा तो आप झाझरिया आ सकते हो और करवा सकते हो। फिलहाल अभी मैं जो हूँ निकल रहा हूँ क्योंकि भूख भी लग चुकी है और मेरे को एक और काम है, तब तक हमारा सारा जो है वो इंस्टॉल वगैरह हो जाएगा है ना। तो और फिर उसके बाद जो है वो आपको दिखाते हैं, यहीं पर एक बार चला करके भी आपको दिखा देंगे और एक्सपीरियंस सारा शेयर कर देंगे और फिर सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। तो चलो अब निकलते हैं। तो अब मैं आपको फाइनली यहाँ से सारा सामान लेकर, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया, देख लिया मैंने काफ़ी परफेक्ट है, लाजवाब है। जब ये मेरे सेटअप पर लग जाएगा तो काफ़ी और बेहतरीन लगेगा। तो हमारा शोएब जो है घर जा चुका है और जुनैद आ गया मेरा जो है वो कार लेकर, ताकि जो मैं लेकर जा सकूँ। तो चलो फाइनली सारा अपना गाड़ी का बोनेट में जो है रखवाते हैं और फिर घर में आपको मैं खुद से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो ये गाइस देखो, हमारा डिस्प्ले जो कि 4K है और काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले है इसका। और साथ में ये हमारा जो है हो गया कैबिनेट में CPU का लगा हुआ है, जो वो भी काफ़ी ज़्यादा लुक तगड़ा दे रहा है। गाइस ये देखो, सारा सामान हमारा जो है कार में रखाया जा रहा है।
ठीक है, ये देखो। सो फाइनली गाइज हमारा गेमिंग पीसी जो है वो रेडी है मेरे सेटअप पर, और देखो कितना जो है वो इस चेयर के साथ में, गेमिंग चेयर के साथ लुक जो है वो बढ़ जाता है मेरा जो है वो सेटअप का, और काफी कूल लग रहा है देखने में। और कूल ही नहीं, स्पेसिफिकेशन भी इसका काफी ज्यादा हार्ड है। और मेरे को सबसे पसंद आई ये कीबोर्ड, इसका आवाज सुनना मजा आ जाता है लाइक, मतलब कि ठीक है। और काफी जो है वो हेवी कीबोर्ड है, और मॉनिटर ओ माय गॉड 4K डिस्प्ले है, और उस पे भी जो है 4K के साथ साथ सैमसंग का है, ठीक है, तो काफी बेहतरीन क्वालिटी देता है। मैं आपको दिखा देता हूं, जो आज हमारा व्लॉग है इसमें एडिट किया, इतना ज्यादा मुझे पसंद आया एडिट करने में कि कुछ कहने का नहीं, इतना स्मूथ। ये देखो बहुत ज्यादा स्मूथ वर्क कर रहा है, और डिस्प्ले कितना बड़ा है ऐसे आपको समझ नहीं आता होगा। मैं कंपेयर करके बताता हूँ अपने लैपटॉप से। पहले मैं सारा वर्क अपने इस लैपटॉप में करता था, ये कीबोर्ड में, और एक ज़ेब्रोनिक का मैंने माउस जो कि काफी ज्यादा कूल है और काफी जो है वो कंफर्टेबल भी, मैं इसी को जो हूँ यूज करता था। तो इसका साइज देखो लगभग मेरे हाथ, एक हाथ, और इसमें अगर मैं जाऊँ तो मेरा हाथ छोटा पड़ जा रहा है, मतलब समझ सकते हो कितनी बड़ी डिस्प्ले है लैपटॉप के मुताबिक। और ये मेरा कैबिनेट जो है लगाया था, इसमें सारा स्पेसिफिकेशन एकदम तगड़ा, मजा आ गया लिटरली गाइस। मेरा एक और ड्रीम हो गया कंप्लीट अपना गेमिंग पीसी का, और किसी भी यूट्यूबर का यही एक सपना ही तो होता है भाई कि अपना एक सेटअप हो, अपना एक गेमिंग सेटअप हो, कार हो, बाइक हो, और हर एक चीज मैंने अपने मेहनत से और आपके सपोर्ट से कंप्लीट कर लिया। और लिटरली में मुझे जो है काफी ज्यादा जो है वो बेहतरीन लगा, और भाई यही है। और इसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा तगड़ा पूछो मत, मैं अपना आपको सेटअप का टूर करवाऊंगा बहुत जल्द, और हर एक चीज दिखाऊंगा। अभी मेरा सेटअप पूरा इधर से पहले आपको साफ सुथरा लग रहा है, बट अपोजिट साइड में वैसे पूरा गंदा धंदा है, तो उसको अच्छा से साफ सुथरा करके दिवाली के मौके पर फिर आपको दिखाया जाएगा, और इतना ज्यादा स्मूथ। और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, ये देखो मैं अगर यही प्रोजेक्ट को अगर इसमें एक्सपोर्ट करता लैपटॉप में तो ये कम से कम आधा से एक घंटा लेता, लेकिन अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूं तो टाइम में दिखाता हूं कितना समय लेगा। ये देखो मैंने एक्सपोर्ट पे अगर क्लिक किया तो ये देखो 1% 2% मुश्किल से 47 सेकेंड, मतलब जो आधे घंटे में एक्सपोर्ट होता था मेरे लैपटॉप में, इसमें विद इन अ मिनट में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसमें भी मुझे कुछ और भी जो है वो करना है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल, और वो सारा कुछ लगा करके फिर मैं एक्सपोर्ट करूंगा। मतलब कि समझ सकते हो आप यहाँ पर कि कहां आधा घंटा और कहां विद इन अ मिनट, क्योंकि मैंने लगभग इसमें जो जितने भी टॉप आते हैं ना वो सारा अपने जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाया, और लगभग मुझे 2 लाख रुपीज जो है वो इस गेमिंग पीसी को बिल्ड करने में लग गया। साथ में मैंने जो है वो सोनी का जो है वो RTX जो है वो खरीदा था, वो तो मैंने बहुत पहले खरीदा था, बट ये भी अभी जो है वो यूज आ रहा है मेरे गेमिंग पीसी में, इसमें ये भी 20-25 हजार में मैंने खरीदा हुआ था, लेकिन लिटरली गाइस काफी परफॉर्मेंस अच्छा है। और अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो आपका भी जरूर सपना होगा, एंड अगर आपका भी सपना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और साथ ही में गाइस मेरा एक और ड्रीम कंप्लीट होने वाला, तो मैं उसको इस वीडियो में रिवील नहीं करूंगा, लेकिन उस ड्रीम की कॉस्टिंग मैं आपको बता सकता हूँ, वो 1.5 लाख रुपीज है उस ड्रीम का, और मैं काफी दिनों से सोच रहा था, जो कि फाइनली मैं कुछ दिनों के बाद कंप्लीट होने वाला, उसका भी डिलीवरी है, तो वो भी ब्लॉग आपको मैं दिखाऊंगा। अगर वो ब्लॉग आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन कर लेना, अगर आप नहीं देखो तो वो ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फाइनली दिस इज माय गेमिंग पीसी, एंड बहुत जल्द मेरा जो है वो सेटअप पे भी वीडियो आएगा, आप जब देखोगे तो बोले वाओ भाई क्या सेटअप है, बहुत तगड़ी है, और लगभग 10-15 लाख रुपए मैंने सेटअप पे खर्च किया, तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे वो खर्च हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और दिस इज मेरा जो गेमिंग पीसी, लिटरली मैं काफी ज्यादा खुश हूं, जो मेरा आधा घंटा में काम होता है कुछ मिनटों में काम हो जा रहा, मतलब टाइम की काफी ज्यादा लिटरली में बचत हो रही है, ठीक है। और एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करो, और लाइक करने के साथ साथ भाई कमेंट करके भी बताना कि कैसा आपको ये ब्लॉग लगा, क्योंकि सिंपलिसिटी में मैं आपको हर एक चीज दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ और ब्लॉगिंग को और भी इंप्रूव कर रहा हूँ, तो बताना मैंने ब्लॉग को अपना कितना ज्यादा इंप्रूव किया, क्योंकि मैं तो भाई एक्सपर्ट हूँ अपने गूगल ट्रिक्स चैनल में ऑनलाइन अर्निंग सिखाता हूँ, है ना। तो फाइनली ब्लॉग को एंड करना चाहूंगा, पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, बताओ, और इस तरह ब्लॉग और देखना तो सब्सक्राइब भी करना।